स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें स्पोर्ट्स तक, और साथ ही किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार, गुड इवनिंग, मैं हूं विक्रांत गुप्ता। अभी अभी भारत को इस दौरे के आखिरी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा है। 4 रन से भारत ये T20 मुकाबला हारा। हालांकि 213 रन भारत चेज कर रहा था, 208 बना लिए 6 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी 2 ओवर में 30 रन चाहिए थे, 19वें ओवर में 14 रन आए, आखिरी ओवर में 16 रन की जरूरत थी, लेकिन टिम साउदी ने अपने तजुर्बे से शानदार गेंदबाजी की। आखिरी गेंद पर दिनेश कार्तिक ने छक्का भी लगाया, लेकिन फिर भी भारत 4 रन से इस मैच को हार गया। इस मैच को ही नहीं बल्कि भारत T20 सीरीज भी हारा है 1-2 से। न्यूजीलैंड 4-1 से वनडे सीरीज हारा था, लेकिन T20 सीरीज न्यूजीलैंड 2-1 से जीता, और दौरा जो ट्विन टूर था ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का भारत का खत्म हुआ। तकरीबन 3 महीने का दौरा और भारत पहला फॉर्मेट हारा। भारत 213 की चेज में प्लान के मुताबिक चल रहा था, 141 रन पर 3 विकेटें गिरी थी। 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर रोहित शर्मा आउट हुए, और वहीं से बाजी भारत के हाथ से फिसल गई। शायद उस वक्त भारत के हाथ में था मैच, न्यूजीलैंड को करिश्मा चाहिए था और वो हुआ। रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, महेंद्र सिंह धोनी, एक के बाद एक ये तीनों विकेटें गिरी, और दिनेश कार्तिक और कृणाल पांड्या अंत तक रहे तो सही, 33 दिनेश कार्तिक ने बनाए, 28 कृणाल पांड्या ने बनाए, लेकिन भारत आखिरी ओवर में 16 रन नहीं कर पाया। मदन जी, एक एक ऐसा मैच जो एक गेंद इधर उधर होती तो नतीजा कुछ भी हो सकता था, लेकिन 141 तीन आउट, 13वें ओवर की आखिरी गेंद, वहां से तो लग रहा था कि भारत ही जीतेगा। हाँ देखिए, ऐसे लग रहा था जब ऋषभ पंत बैटिंग कर रहा था रोहित शर्मा के साथ, ऐसा लग रहा था कि शायद ये टोटल जो है हो जाएगा और इंडिया मैच जीत भी जाएगा, पर उसके बाद आपके विकेट्स जो है वो गिरते चले गए। और क्योंकि इस क्रिकेट में होता क्या है कि अगर विकेट आपके गिरते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा आता है। जब महेंद्र सिंह धोनी आउट हुआ, जिसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हाँ भाई रन कर सकता है, क्योंकि उसके लिए इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस उसको है कि वो ये मैच जिता सकता था, पर वो जब विकेट गिरते हैं तो फिर आपको ऐसा ही है कि जो एवरेज होती है ओवर की वो बढ़ती चले जाती है। और मेरे विचार में इंडिया ने मैच अच्छा खेला है, ऐसी कोई बात नहीं, ये खेल ऐसा 213 चेज करते हो, आप एक गेंद से मैच हारे हो, एक गेंद से मैच हारे, पर ये गेम फॉर्मेट ऐसा है कि आपको क्योंकि आपने एक तो सबसे पहले की 212 रन करा दिए, फिर वही गलती आपने की कि आपने एक बॉलर रविंद्र चहल को बाहर बैठा दिया, तो क्या होता है कि बॉलर ही आपको मैच जता रहे हैं इतने दिनों से, दो शायद एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में भारत ने सीरीज अपने हाथ से जरूर गवा दी है, लेकिन ये मैच भी भारत जीत सकता था। जैसे मदन जी ने कहा, आपने भले ही 212 रन खाए, लेकिन एक क्लिनिकल शुरुआत थी भारत की, लगातार रन बनते रहे, पहले विजय शंकर और रोहित शर्मा के बीच साझेदारी हुई, फिर रोहित शर्मा और ऋषभ पंत के बीच साझेदारी हुई, ऋषभ पंत के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या ने भी आकर तेज बैटिंग की, लेकिन रोहित शर्मा शायद सोच रहे थे कि मैं एंड तक जाऊंगा, और 32 गेंद में 38 रन, अगर आप 213 चेज कर रहे हैं तो 32 गेंद में 38 रन थोड़ा सा स्लो ही गिना जाता है। ये है वो विकेट, ये है वो पल जहां से भारत के हाथ में शायद मैच भारत के हाथ से फिसला। हार्दिक पांड्या ने भी जबरदस्त 2-3 हिटें लगाई, लेकिन उनके हाथ से बैट गिरा, स्लिप हुआ और वो भी आउट हो गए। उसके बाद ये जो मदन जी कह रहे हैं धोनी का विकेट, वैसे मैदान छोटा है और सामने वाली बाउंड्री और भी ज्यादा छोटी है, लेकिन या तो ये प्रॉपरली कनेक्ट नहीं हुआ या फिर ऊपर ज्यादा मार दिया उन्होंने, और वहीं से मैच भारत के हाथ से फिसल गया। आखिरी जोड़ी जो थी दिनेश कार्तिक और कृणाल पांड्या, इन्होंने हाथ जरूर आजमाए और भारत को एंड तक लेकर भी गए, लेकिन कहते हैं कि जब तक आप फिनिश लाइन क्रॉस ना करें जीत तो मिलती नहीं। भले ही 4 रन से, लेकिन भारत इस मैच को हार कर ये T20 सीरीज भी हारा है। बहुत कुछ निर्भर करता था कि आपको स्टार्ट कैसा मिलता है, और जब शिखर धवन पहले ओवर में आउट हो गए उसी वक्त लग गया कि यार ये दिक्कत आएगी। विजय शंकर को नंबर 3 प्रमोट किया गया,
उन्होंने ठीक है सिचुएशन के हिसाब से आपको पटरी पर लाकर खड़ा कर दिया था। नहीं, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की है, वो स्पेशली उनके स्ट्रेट ड्राइव जो है उन्होंने आउट ऑफ द ग्राउंड फेंके हैं, वो बहुत बेहतरीन शॉट्स थे। और क्या होता है कि ऐसे जब आप ऐसे सिचुएशन में आते हैं तो थोड़ा बहुत आप अपने आप को भी लॉन्ग द ग्राउंड खेलना चाहिए, क्योंकि आप रन रेट से अहेड चल रहे हैं या बिल्कुल उसके पास चल रहे हैं। तो ये थोड़ी सी मैं समझता हूँ कि इन एक्सपीरियंस क्या लिया विजय शंकर का, क्योंकि राम से वो आज इंडिया को मैच जिता सकते थे। इवन उसके बाद ऋषभ पंत, ऋषभ पंत ने भी आकर जो बैटिंग की है, उन्होंने आकर लगातार तेज रन बनाए। ये तजुर्बे की कमी दिखती है कि आप में वो एंथुजियाज्म है, एनर्जी है, जोश है, लेकिन कभी कभी जोश के साथ होश रहे तो बेहतर होता है। आप मैच बनाकर मैच को निकाल कर भी आना चाहिए। हाँ बिल्कुल, यही थोड़ा सा डिफरेंस है जहाँ पे इनको और ज्यादा एक्सपीरियंस चाहिए। क्या कि हर बॉल को आप मारने की कोशिश करेंगे तो आपके चांसेस है आउट होने के। अब फिर मैंने लास्ट टाइम भी ये बात की कि जब आप इतने ज्यादा रन करा देते हैं 212, फिर तो आपको अटैक करना ही पड़ता है शुरू से, पहले बॉल से, उसमें विकेट गिरने का भी चांसेस है आपके ऊपर, और भी ज्यादा प्रेशर बढ़ता चला जाता है। दूसरी बात, आज मैं समझता हूँ कि अब मैं एक बार फिर हमारी फील्डिंग अच्छी नहीं थी आज, हमने कैच भी छोड़ी है। हाँ, वो देख कॉलर मनरो का हमने कैच छोड़ा, वहां से बहुत ज्यादा फर्क। बिल्कुल, ये छोटी छोटी चीजें जो है मैच कई बार मैच आपको हरा देती हैं। हम फील्डिंग की इतनी ज्यादा बात नहीं करते, पर फील्डिंग का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है इस 2020 क्रिकेट में, और बॉलिंग का। और बॉलिंग अगर आप देखें, आज सबको मार पड़ी है। ठीक है, छोटा ग्राउंड था, थोड़ा भाई 30-35 रन पड़ सकते थे, पर आपको बहुत ज्यादा रन पड़े हर बॉलर को, सिर्फ एक कुलदीप यादव को छोड़ दीजिए, बाकी चारों बॉलर को बहुत रन पड़े। और क्या है कि फील्डिंग का सपोर्ट उनको नहीं मिला, ये तो मैं ये भी साफ है कि भारत शायद इस T20 सीरीज को एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख रहा था। जिस तरह से आपका बैटिंग ऑर्डर चेंज होता था, विजय शंकर नंबर 3, या फिर गेंदबाजी भी आप देखें, आप या तो कुलदीप को खिला रहे थे या चहल को खिला रहे थे, जबकि दुनिया में इससे बड़ी स्पिन की जोड़ी नहीं है। इनके 8 ओवर जो है आपको कहीं पर भी मैच जिता देते हैं, तो इस लिहाज से ठीक है। भारत ने कई खिलाड़ियों को टेस्ट करने की कोशिश की वर्ल्ड कप के लिहाज से, लेकिन एक और चीज सामने आती है मदन जी, वो ये है कि T20 क्रिकेट खेलना और वनडे क्रिकेट खेलना अलहदा चीजें हैं। भारत शायद T20 को आज भी वनडे की एक्सटेंशन के तौर पर लेता है, क्योंकि आप देखिए, ठीक है आप आज ज्यादा रन चेज कर रहे थे, लेकिन वो पावर हिटर्स नहीं है आपके पास। नहीं, वो एक बैट्समैन जो ऊपर से मारना शुरू करे और मारता ही जाए, उसकी कमी है। आप वनडे की तरह ही T20 भी खेलते हैं आप? नहीं देखिए, बिल्कुल टोटल डिफरेंट फॉर्मेट है। 50 ओवर में फिर भी आप गेम को कंट्रोल कर सकते हैं, पर इसमें कंट्रोल नहीं होता गेम। अगर आपका रन रेट ना चले 7-8 का जो आप चला रहे हैं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर बैट्समैनों के ऊपर प्रेशर भी आता है। और दूसरा क्या है कि ये जो सोच है हमारी कि 2020 से हम 50 ओवर के जो प्लेयर्स है वो देख रहे हैं, ठीक है आप उनका टैलेंट दे सकते हैं, उनकी मानसिकता दे सकते हैं, पर ये है कि ये नहीं देख सकते कि हाँ वाकई ये जो है 20 ओवर वाला प्लेयर जो है आगे जाके 50 ओवर में भी बहुत अच्छा खेलेगा। क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्मेट की वजह से मैं समझता हूँ कि इनको 2020 क्रिकेट जो है 2020 के हिसाब से खेलनी चाहिए। आपको प्लेयर भी वैसे ही तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि देखिए जब तक आप ऊपर वाले बल्लेबाज आपको रन नहीं बना के देंगे, 60-70 रन का स्टार्ट नहीं देंगे, तो फिर ये टोटल जो है चेज करना बड़ा मुश्किल। रोहित शर्मा का भी आज एक अलग अंदाज दिखा। जिस तरह वो वनडे क्रिकेट खेलते हैं, आज उन्होंने उसी तरह की बैटिंग की, लेकिन अंत में अगर आप 4 रन से मैच आ रहे हैं, 213 चेज कर रहे हैं, तो 32 गेंद में 38, रोहित शर्मा जैसे स्टेचर के बल्लेबाज के लिए वो धीमा है। बिल्कुल देखिए, धीमा है। और क्या उनके मन में रणनीति थी कि अगर मैं खुद खड़ा रहूंगा तो मैच जिताने का? शायद ये थी, हाँ ये था मेरे ख्याल उनके मन में, नहीं था। रोहित शर्मा ऐसे खेलता ही नहीं है, क्योंकि हमने हमेशा उनको देखा है शॉर्ट्स खेलते हुए। वो यही एक था कि मैं लास्ट 20 ओवर तक खेलूंगा, अगर उसमें से हमारा मैच आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ऋषभ पंत तो दूसरे एंड से काफी तेज स्ट्राइक से रन बना रहा था। तो ये कई बार आपकी जो रणनीति होती है, रोहित का विकेट जो था वो टर्निंग पॉइंट मानेंगे आप? 141 3 आउट, 13.5, जहां पर 6 ओवर में आपको 72 रन बनाने थे और 6 में 72 बनते हैं। देखिए 2020 में आजकल के क्रिकेट में देखा है हमने, 72 भी बनते हैं, पर अब ये है कि अगर रोहित शर्मा का जो प्लान था वो अगर खेलता अपने प्लान के हिसाब से या लेकर जाता, फिर चांस थे आपके मैच जीतने के। रोहित शर्मा हमें सबको मालूम है कि बहुत बड़ा प्लेयर है, वो अगर उसको 3 ओवर में भी अगर 30-35 रन चाहिए होंगे वो और अंत में ये हुआ कि 2 में 30 चाहिए थे, उसमें 14 आए 19वें ओवर में, आखिरी ओवर में 16 रन, लेकिन आखिरी ओवर बड़ा जबरदस्त डाला टीम सऊदी ने। ठीक है, आखिरी गेंद पर छक्का जरूर लगा, भारत सिर्फ 4 रन से मैच हारा है, लेकिन
ये बात भी सही है कि आप हर रोज इतने रन चेज नहीं करेंगे, और भारत के T20 इतिहास में अगर आज जीता तो T20 इतिहास में ये सबसे बड़ी चेज होती, लेकिन इस सीरीज में, इस T20 सीरीज में दूसरी बार हुआ है कि भारत के गेंदबाजों ने इतने सारे रन एक साथ लुटवा दिए। तो गेंदबाजी तो कमजोर है ही, कुलदीप और चहल को आपने लगातार दोनों को किसी एक मैच में नहीं खिलाया, साथ साथ जब चहल खेले चहल ने अच्छा गेंद किया, आज कुलदीप खेले कुलदीप ने अच्छा गेंद किया, लेकिन कृणाल पांड्या एक मैच उनका भी अच्छा गया, दो मैचों में उनको बहुत सारे रन पड़े हैं। खलील का भी यही हुआ, एक मैच ओके ओके रहा लेकिन दो में उनको भी बहुत सारे रन पड़े। हाँ देन बिल्कुल सही है, क्योंकि कृणाल पांडे आज तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, 54 उन्होंने रन दिए, एक ही तरह की गेंद करते हैं ना वो। देखिए क्या होता है कि इसमें वेरिएशन बहुत जरूरी है, उनका सेंटनर अगर आप देखें बॉलिंग करते हो उसके पास बहुत ज्यादा शिखर धवन को हवा में आउट किया। हाँ बिल्कुल, देखिए हवा में फंसा के आउट किया, और वैसे भी अगर बैट्समैन आ गया था वो बिल्कुल आस्था छोड़ देते हैं। तो ये चीजें कृणाल पांडे की, क्योंकि इस अगर जितना ज्यादा तेज गेंद करेंगे उतना ज्यादा आपको मार पड़ेगी, पर यह है कि कृणाल पांडे का बॉलिंग करना बड़ा जरूरी है। बैट्समैन तो हमें मालूम है कि वो हिटिंग कर सकता है, क्योंकि हमने आईपीएल में काफी बार देखा और उन्होंने आज अच्छी बैटिंग भी की है, अपनी बैटिंग से ही आज ऐसे लग रहा था कि शायद वो मैच जिता देंगे, पर बॉलिंग में थोड़ा सा उनको स्टेप अप करना पड़ेगा क्योंकि थोड़ी सी वेरिएशन लानी पड़ेगी। तो आप वर्ल्ड कप के लिहाज से जो गेंदबाजी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे इसीलिए आपने बाकी गेंदबाजों को नहीं खिलाया, आप खलील को खिलाया, आपने कृणाल पांड्या को खिलाया, भुवनेश्वर का भी साधारण रहा, तो वर्ल्ड कप के लिहाज से खलील और कृणाल पांड्या अभी है दौड़ में या मुश्किल लगता है? देखिए मुश्किल लगता है क्योंकि विक्रांत की अभी मोर लेस टीम डिसाइड हो चुकी हुई है, आपको एक तेज गेंदबाज तो चाहिए। एक तेज गेंदबाज है, देखिए आप विजय शंकर को भी तो कोशिश ट्राई कर रहे हैं ना, पर विजय शंकर तो सिर्फ बैटिंग कर रहे, बॉलिंग नहीं कर रहे, बॉलिंग क्यों नहीं, तीनों मैच में गेंद नहीं कराया उनसे, वैसे उसको ऑलराउंडर कह के टीम में अंदर लाया गया, बिल्कुल तो उसको बॉलिंग ना कराना, शायद नंबर 3 पर बैटिंग करने की गेम उनके पास नहीं है, पता नहीं वर्ल्ड कप के लिहाज से तो नहीं है। नहीं देखिए 2020 में तो उन्होंने अच्छी बैटिंग की, गेंद को काफी अच्छा उन्होंने मतलब अच्छे शॉट खेले और एवरेज भी उनकी स्ट्राइक रेट भी काफी अच्छा था, पर बॉलिंग के बगैर तो मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये 3 नंबर स्लॉट तो हमारे कैप्टन का है, मतलब कुछ तो है कि सोच जो है तीनों मैचों में भारत की समझ नहीं आई। ऑब्वियसली टीम जीतने के लिए खेली होगी, ऐसा तो नहीं है कि अब हारने के लिए खेलते हैं, और किसी भी फॉर्मेट में जीतना बड़ी बात है, आप वनडे सीरीज न्यूजीलैंड में जीते 4-1 से तो आप T20 भी जीतना चाहते थे, लेकिन अब सवाल यही है कि क्या एक्सपेरिमेंटेशन वर्ल्ड कप के लिहाज से उसके कारण आप ये T20 सीरीज तो नहीं हारे, और दूसरी बात यह है कि क्या भारत को कुछ मिला है वर्ल्ड कप के लिहाज से इस T20 सीरीज में, या फिर वही खिलाड़ी अभी भी आगे हैं जो पहले आगे, यही सवाल उठ रहा है हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। जैसे ही यहां पर शो खत्म होगा मैं और मदन जी वहां पर भी होंगे, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को, नोटिफिकेशन की घंटी भी बजा लीजिए।